और इसमें एक जो बहुत ही मखसूस जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि जब भी इंसान जो है वो सेक्चुअली एक्ट करता है और उस दौरान उसको अगर एस्थमेटिक अटैक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और आज हम जिस दवा पे बात करेंगे उसका नाम जो है वो अम्ब्रागरिशी है। और इसमें एक जो बहुत ही मखसूस जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि जब भी इंसान जो है वो सेक्चुअली एक्ट करता है और उस दौरान उसको अगर एस्थमेटिक अटैक हो जाए, और आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में या समटाइम जो है वो यंग एज में भी जो लोग हैं वो आते हैं क्लिनिक के अंदर और ये कहते हैं जी कि अगर हम इस तरह का जो एक्ट करते हैं उसके बाद जो है वो हमारा जो सांस है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता हर दो सूरतों में, मतलब वो मेल भी हो सकते हैं वो फीमेल भी हो सकती है। तो उस वक्त आपके जहन में जो फर्स्ट मेडिसिन आनी चाहिए वो है अम्ब्रागृहस्य। अब एक तो ये है कि असमी और जो तशनजी खांसी और खांसी कर करके गला बैठ जाए, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और अगर गुफ्तगू करते हुए और पढ़ते हुए खांसी शुरू हो जाए, ये इसका भी एक बहुत ही गाइडिंग जो है सिम्टम्स है। फिर स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आती। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अगर उनके साथ उनकी अम्मी खड़ी हो या बाजी खड़ी हो तो वो जो है वो मतलब कि स्टूल पास नहीं कर सकते, यानी किसी की मौजूदगी में जो है वो स्टूल पास न करना, ये जो एक बात है ये भी अम्ब्रागृहस्य का एक सिम्टम्स है। और फिर इसका जो पेशेंट है वो देखे ना, गाने सुन के तो लोग बड़े खुश होते हैं, और इसका जो पेशेंट है वो अगर गाने सुनता है तो वो रोना शुरू कर देते हैं। आपने ऐसे लोग देखे होंगे अपनी फैमिली में या अपनी डेली लाइफ में, आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिलेंगे तो वो अम्ब्रागृहस्य जो है उसके पेशेंट होते हैं। और फिर अगर थोड़ा सा सफ़र कर लिया या मामूली कब्ज़ भी हो गई तो उसके साथ ये होता है कि जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है और कपड़े पता नहीं चलता और कपड़े जो है वो ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, हाथ जो है इनमें क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। आप देखें लोग ऐसे उंगली चटकाते रहते हैं और उनको अजीब सा एक इंठन होती है, ये भी एक सिम्टम जो है वो इसका है। फिर इसमें एक जो और बात है, एक्सट्रीम नर्वस हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी ज़रा सी बात जो है ना वो उसको जो है वो रोने पे मजबूर कर देती है और वो असाबी तौर पे जब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब इसमें एक और बात है कि जो इग्निशिया है, इग्निशिया का ये क्रॉनिक है, यानी इग्निशिया और नेट्रमेर जो मेडिसिन है उनकी जो दरम्यान की दवाई है वो है अम्ब्रागृहस्य। और अम्ब्रागृहस्य की अगर हम थोड़ी सी और बात करें कि ऐसी वीकनेस जो ओवर वर्क से आए या उम्र के साथ साथ आ जाए, तो अगर आप फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आता है वो ये कहते हैं जी कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया और मेरा जिस्म कमज़ोर हो गया, या कोई बुज़ुर्ग हैं वो आते हैं और कहते हैं यार मैं अभी उम्र ऐसी है कि मेरी हिम्मत जो है वो जवाब दे गई है, तो अगर आप अम्ब्रागृहस्य दिए गए तो वो जो है वो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करेगी। लेकिन अम्ब्रागृहस्य क्या होम्योपैथिकली, यानी होम्योपैथिक दवा की सूरत में, और अम्ब्रागृहस्य की ये जो मोटी मोटी बातें थी मैंने आपसे जो है वो डिस्कस कर ली। लेकिन कभी भी कोई भी होम्योपैथिक दवा किसी भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें, और ये जो लेक्चर है ये किसी भी मेडिकल डॉक्टर जो है और होम्योपैथिक डॉक्टर जो है उसका मुतबादल नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।